मैंने बहुत फिल्में साइन की हैं, यही खबर, कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं, काम की खबर। बिना मतलब की शायद अफवाहें। आप खबरें झापते हो, बताते हो, तो आप लोगों की खबरें डर लगता है। खराब खबरें किसको पसंद आती है अपने बारे में? ब्रोकन न्यूज का हिस्सा ना बने। कोई भी न्यूज जब ब्रेक होती है तब उसको ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। ब्रेक करने से पहले अगर उसका कुछ होता है तो उसे भी ब्रोकन न्यूज कहते हैं। मैं काम करना चाहती हूँ, हाँ अभी तो आई थिंक अभी इट्स टाइम कि वापस काम पे जाए। जब दीपांकर सान्याल बोलता है तो पूरा देश बोलता है। अपने बारे में किस तरह की खबरें सुनना कि मतलब मैंने बहुत फिल्में साइन की हैं, यही खबर, कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं, काम की खबर। आई थिंक बिना मतलब कि शायद अफवाहें। टू बहुत एक्साइटेड हूँ जयदीप और सोनाली के साथ, बहुत मुझे मज़ा आया। एंड आई थिंक ये हमारी इस सीरीज़ की कहानी बहुत रेलिवेंट है एंड हमने एक अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिखाने की कोशिश की है इन एन एंटरटेनिंग वे। सो आई एम रियली हैप्पी दैट आफ्टर द सक्सेस ऑफ गिल्टी माइंड्स आई होप ये भी उतना ही सक्सेसफुल। बट थैंकफुली मतलब मैं अपना पर्सनल स्पेस ठीक से मैनेज करती हूँ तो ऐसी कुछ अब तक तो थैंकफुली कुछ नहीं है। जी फैन से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ देखिए, बहुत प्यार से हमने शो बनाया है एंड सोनाली जी का OTT डेब्यू है विच इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड जयदीप इज़ एन इनक्रेडिबल एक्टर, तो प्लीज़ देखिए, थैंक यू। नहीं मैं दूर तो नहीं रहता हूँ पर जनरली उस तरह का बिहेवियर नहीं है मेरा, तो सब सोशल मीडिया सबसे उतना ही वास्ता रख पाता हूँ, उतना काम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाता हूँ काम की वजह से भी और पर्सनल वजह से। क्यों देखें द ब्रोकन न्यूज़ को लेकर? अच्छा द ब्रोकन न्यूज़ बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आज जिस दौर में हम हैं, वहाँ इंफॉर्मेशन और मीडिया का इतना स्ट्रॉन्ग रोल है हमारी लाइफ में कि हम उससे अछूते नहीं रह सकते। तो उसी सब्जेक्ट को लेके ये कहानी है और ना सिर्फ मीडिया है उसमें उन लोगों की कहानी है जो चाहे अनचाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप मीडिया में हैं या नहीं हैं आपके ऊपर वो इफेक्ट डालती है, तो इन सब लोगों की ज़िंदगी में क्या उस चीज़ का इफेक्ट आता है उसको लेके प्रॉपरली जब दीपांकर सान्याल बोलता है तो पूरा देश बोलता है, तो वो उस आदमी को इतना भरोसा है कि वो अपने शब्दों से लोगों की जिंदगियां बदल सकता है, उनके लाइफ में किसी भी तरीके का बदलाव लेके आ सकता है। तो और जो वो स्क्रीन पे है जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करता है न्यूज़ रूम में, उसके अलावा उसकी पर्सनल ज़िंदगी कैसी है, वो क्यों वो सब चॉइसेस लेता है, इस सब के ऊपर भी कहानी। तो जयदीप जी अपने बारे में किस तरह की खबरें सुनना पसंद करते हैं? अच्छी हो तो बेटर है, खराब खबरें किसको पसंद आती हैं अपने बारे में? तो भगवान की दया से अब तो सब ठीक हो, वैसा ही रहे, बढ़िया, ब्रोकन न्यूज़ का हिस्सा ना बने। मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ विश मी ऑल द बेस्ट एंड एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा शो है और बहुत मज़ा आया उसको बनाते हुए। मैं काम करना चाहती हूँ हाँ अभी, क्योंकि आई थिंक आई एम अलाइव एंड आई एम फिट, तो आई थिंक अभी इट्स टाइम कि वापस काम पे जाए। जी जयदीप श्रिया हमारे जो डायरेक्टर हैं विनय वैकुल जी, सो इट वाज अमेजिंग एंड बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि नई आवाज़ें हैं ये आज की, और बहुत मज़ा आया इन नई आवाज़ों के साथ काम करते हुए बिकॉज नई टाइप की एक्टिंग है, नई टाइप की स्टोरी टेलिंग है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे लगता है कि मेरी जैसे शुरुआत है, सो इट वाज ग्रेट फन। आई थिंक कहीं पे गोल्डी हमेशा मुझसे कहता था कि यू नो यू शुड गेट बैक टू वर्क नाउ क्योंकि तुम्हें अभी बहुत अच्छा लगेगा, कहानियाँ जो सुनाई जा रही हैं आपको अच्छी लगेंगी, सो आई थिंक ही वॉज राइट क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया काम करते हुए अभी एंड आई होप टू कीप वर्किंग मोर। अपने बारे में जी तरह की खबरें सुनना पसंद करती हैं?
मेरे बारे में किस तरह की आई थिंक फिलहाल मैं खबरें ये सुनना चाहूँगी कि लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी है. आई थिंक ये अगर मुझे सुनने को मिला तो बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू. नहीं मैं स्पेशल अपीयरेंस कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे तो अच्छा रहेगा. एक्सपीरियंस हमेशा ही अच्छा रहता है. बहुत ही बढ़िया टीम है. बीबीसी के साथ ही मेरा सेकंड शो है और जी के साथ सेकंड शो है. सो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड इट्स गुड कॉन्टेंट इज बीइंग पोर्ट्रेड. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट हियर. आप खबरें झापते हो बताते हो तो आप लोगों की खबरें डर लगता है बट जस्ट आजकल किसी भी खबर को ब्रेकिंग न्यूज करना आपको बहुत आता है. Yeah, I'm looking forward to it. मैं पहली बार देख रही हूँ. So I'm really looking forward. I had a great time working with them. Director Vinay is amazing. So I'm looking forward. Thank you. Trailer तो लाजवाब है. बहुत intriguing है और बहुत anxiety के साथ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ. मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं इसको देखने के लिए और आज ये दो एपिसोड देखने मिल रहा है हमें, जिसकी हमें खुशी है. और कोई भी न्यूज़ जब ब्रेक होती है तब उसको ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं, लेकिन जब वो ब्रेक हो जाती है तो उसे ब्रोकन न्यूज़ कहते हैं. और कोई भी न्यूज़ ब्रेक करने से पहले अगर उसका कुछ होता है तो उसे भी ब्रोकन न्यूज़ कहते हैं. तो अब ये ब्रोकन न्यूज़ जो है, इसका जो शीर्षक है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये देखने से पहले तो पता नहीं चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरी शुभकामनाएं हैं और जो प्रॉमिस नज़र आ रहा है ट्रेलर में वो सारे एपिसोड्स में दिखाई दे, ऐसी ही मनोकामना है. बहुत ज़्यादा, बिकॉज सोनाली एक ऐसी आर्टिस्ट है, जब उसने अपना पदार्पण किया था, जब इस इंडस्ट्री में वो पहली बार आई थी, तब सबसे पहले मैंने उनका अभिनंदन किया था और मैंने ये कहा था कि ये एक ऐसी आर्टिस्ट है जो कि बहुत कुछ कर जाएगी इस इंडस्ट्री में. और मेरी ये बात सोनाली ने सही साबित की. तो इसमें भी अगर वो है तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे और क्या हो सकती.